तो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि एक बार बेन केविन बन जाता है और केविन बेन बन जाता है। तो ये कहानी है बेन 10 रीबूट की, जब बेन और केविन दोनों एक बार भोजैम्बू को ढूंढने जाते हैं, उनको पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि फॉरगेटी है, एंड वो यहाँ पर उन दोनों की याददाश्त को भुला देता है। तो उन दोनों को पता नहीं होता कि वो दोनों कौन है, उन दोनों के यहाँ पर फोन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अब बेन के पास केविन का फोन होता है और केविन के पास बेन का फोन होता है। बेन यहाँ पर केविन का फोन देखता है तो उसको पता लगता है कि वो एक बैड गाय है, एंड यहाँ पर एक बैड गाय चेकलिस्ट भी होती है जिसको वो फॉलो करने लगता है। एंड सिमिलरली केविन को यहाँ पर ग्वेन का मैसेज आता है कि हे बेन, क्या तुम ग्रैंडपा के लिए यहाँ एक बेंजो ले आओगे? तो उसको पता लगता है कि उसका नाम बेन है और उसको ग्रैंडपा के लिए बेंजो लाना है और वो एक गुड गाय है। बाद में दोनों के पास क्रॉस्ड होते हैं, यहाँ पर ग्वेन एक ट्रिक खेलती है, वो यहाँ पर ये बोलती है बेन को याद दिलाने के लिए कि वो बेन है, कि देखो बेन ये मॉन्स्टर मुझे खाने वाला है। तो बेन को याद आ जाता है कि वो एक गुड गाय है, एंड सिमिलरली केविन को भी यहाँ पर याद आ जाता है। तो इस तरीके से सब कुछ लास्ट में ठीक हो जाता है।